हेलो फ्रेंड्स, बहुत लोग आज हमसे पूछ रहे थे कि वो बीटेक किए हुए हैं तो वो माइनिंग सरदार और ओवरमैन का वैकेंसी भर सकते हैं या नहीं। तो उनको बता दें कि अगर वो सिर्फ बीटेक किए हुए हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गेट और एमटी का ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर वो बीटेक करने के बाद एक साल पीजीपीटी भी कर लिए हैं और उनका पीजीपीटी कंप्लीट हो गया है और वो डीजीएमएस में अपना पीजीपीटी और गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड जमा करके सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट ले लिए हैं, तो वो एलिजिबल है माइनिंग सरदार ओवरमैन का वैकेंसी भरने के लिए। क्योंकि देखिएगा, इसे बीसीसीएल 2016 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन को हटा दिया जाए तो बाकी सारा वैकेंसी में लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, फर्स्ट एड, गैस टेस्टिंग, ये सब है। और इसके बाद भी एक लाइन लिखा हुआ रहता है कि इससे ऊपर का डिग्री भी जिसके पास है वो भी भर सकता है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो सीसीएल का भी ज्वाइनिंग हुआ था 2019-16 में, उसमें कई सारा मेरा फ्रेंड सेकंड क्लास मैनेजर था, सर्टिफिकेट वाला था, और अभी भी जितना है वैकेंसी आया सब में सेकंड क्लास वाला भी ज्वाइन किया है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि जो स्टूडेंट बीटेक किया है, बीटेक के साथ साथ पीजीपीटी करके सेकंड क्लास सर्टिफिकेट मिल गया है, वो लोग ओवरमैन और सरदार का वैकेंसी भर सकते हैं। और जो सिर्फ बीटेक किए हुए हैं वो फिलहाल अभी गेट और एमटी का ही वैकेंसी भर सकते हैं। तो ऐसे बीटेक के कैंडिडेट जो अभी तक पीजीपीटी नहीं किए हैं उनको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग एक साल का ट्रेनिंग करके जो है सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट एक्वायर कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा कि आप कहीं से भी एक्सपीरियंस लेकर के फर्स्ट क्लास का भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, उसमें क्या आपको प्रमोशन में हेल्प होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।